हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शब्बी का किचन। रजब का महीना चल रहा है और रजब के महीने में कुंडे की नियाज तो होती ही है, और कुंडे की नियाज बिना मीठी खस्ता टिकिया के इनकम्प्लीट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम मीठी खस्ता टिकिया बनाने की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम घी, 50 ग्राम सूजी या रवा, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में शक्कर ऐड करेंगे। और सिर्फ पाव ग्लास पानी ऐड करेंगे। हमें शक्कर को सिर्फ डिसॉल्व यानी कि पिघलने देना है, इसीलिए हम इसमें बहुत सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। और हमें यहाँ चाशनी भी नहीं बनाना है, इसीलिए भी हम इसमें बहुत ही कम पानी ऐड करेंगे। अब हमें शक्कर के डिसॉल्व होने तक इसे पका लेना है तेज आंच पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शक्कर अच्छी तरह से पिघल चुकी है। अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम एक परात में मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी यानी कि रवा। रवा ऐड होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। अगर घी जम गई हो तो सबसे पहले उसे आप पिघला लें, उसके बाद ही उसे ऐड करें। अब हम घी को अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पोषण हथेली के बीच में लेके उसे रब करते हुए मिक्स करते जाएं। इस तरह से मसलने से घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। खस्ता टिकिया में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और इसके आटे को किस तरह से गूंदा जाता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और सेम प्रोसेस फॉलो करके टिकिया बनाएं। आपकी टिकिया कढ़ाई में ऐड होने के बाद टूटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी खस्ता बनके तैयार होगी। घी पूरी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे शुगर सिरप यानी कि शक्कर का पानी, जिसे अभी हमने तैयार किए थे। शक्कर का पानी हमें एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदने के टाइम पे पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, उसी तरह से हमें शक्कर का पानी भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसका एक डो बना लेना है। यह बनाने के लिए हमें डो को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट गूंदने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ हम खस्ता टिकिया कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसीलिए मैं इसे हाथ की मदद से गूंद ले रही हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो किसी वजन चीज़ का यूज़ करके आप आटे को अच्छी तरह से गूंद सकते हो। तो यहाँ हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब हम इसे ढक्कन ढककर एक घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे। एक घंटा हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा सा पोषण लेके इसे फिर से एक बार गूंद लेंगे। एक घंटे बाद पूरा आटा फिर से गूंदने की जगह हम इसका थोड़ा थोड़ा पोषण लेके इसे फिर से गूंद ले रहे हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और बेलने में आसानी हो। जब भी आप बेलना स्टार्ट करते हो तो उसके पहले आटे को फिर से एक बार गूंद लें। अब हम हाथ की मदद से
प्रेस करते हुए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद इसे बेलन से बेल लेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। थोड़ा सा बेलने में प्रेशर लगाने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। तो आप इसे टर्न करते हुए बेलते जाएं और अगर इसके साइड में ऐसे दरारें आए तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस तरीके के ग्लास या फिर कुकी कटर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। एक टाइम में आप एडजस्ट करके जितनी टिकिया कट कर पाओ उतनी कट कर लो और उसके बाद जो पोर्शन बच जाए उसे बचे हुए आटे के साथ मिला के फिर से बेल लें। सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम बाकी के बचे हुए आटे से भी टिकिया बना लेंगे। अब हम फोक की मदद से टिकिये पे निशान बना देंगे जिसकी वजह से टिकिया तेल में ऐड करने के बाद फूलेगी नहीं। तो यहाँ मैंने सारी टिकिया पे निशान बना लिए हैं। अब हम इसे ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी की टिकिया भी बना लेंगे। तो यहाँ सारी टिकिया फ्राई होने के लिए तैयार है। यहाँ टिक्की की क्वांटिटी कम है इस वजह से ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे, इसीलिए इसे हमने एक के ऊपर एक रख दिए हैं। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसे एक के ऊपर एक ना रखें, अलग अलग फैला दें। अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे आप टिक्की की साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, इसी साइज़ का टिकिया बनाएं। अब हम इसे गरम तेल में ऐड कर देंगे। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। एक टाइम में आपके पैन में या कढ़ाई में जितने टिकिया आए उतने ही ऐड करें। हमें इसे ओवर क्राउडेड नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। अब हम इसे स्लो आंच पे डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो कि टिकिया कुछ टाइम बाद तेल में ऊपर तैरने लगती है, यानी कि फ्लोट करने लगती है। एक साइड से गोल्डन कलर होने के बाद हम इसे पलट लेंगे। अगर आप तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हो तो ये बहुत ही जल्दी दोनों साइड से ही बनके तैयार हो जाती है। याद रखिए स्टार्ट में हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो यहाँ हमारी टिकिया बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरीके से बाकी की बची हुई टिकिया भी तैयार कर लेंगे। याद रखिए तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होने से ये ज़्यादा जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमारी मीठी खस्ता टिकिया बनके तैयार है। आप इसे खीर के साथ या फिर बिना किसी चीज़ के ऐसे ही खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रज्जब के महीने में ही बनाएं, आप इसे किसी भी टाइम बना के खा सकते हो। ये कुकी का डिफरेंट वर्जन है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।